नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। शुक्रवार को कस्बा जिला परीक्षित गढ़ के व्यापारियों तथा आम नागरिकों ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका तथा चीनी सामान की होली जलाई। लोगों में चीन द्वारा शहीद किए गए भारतीय सैनिकों की शहादत पर इतना गुस्सा था कि जिनपिंग के पुतले को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। भारत सरकार से शहीद हुए 20 सैनिकों की शहादत का बदला लेने की मांग की। सपा नेता सुदेश पाल ने शहीद हुए देश के 20 सैनिकों की शहादत का बदला लेने की भारत सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सैनिकों की शहादत का बदला लिया गया था, उसी प्रकार चीन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की जानी चाहिए। हमारे सैनिकों की शहादत पर सरकार चुप है, कुछ बोल नहीं रही है। पूरा देश इस समय एक मत से सरकार के साथ है। सरकार को तुरंत एक्शन लेते हुए चीन के घर में घुसकर अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेना चाहिए। सपा नेता किशोर टोक ने भारत सरकार से चीन के साथ सभी प्रकार के संबंध खत्म करने तथा चीनी कंपनियों को दिए गए सरकारी टेंडर तत्काल प्रभार से रद्द करने की मांग की है। उन्होंने आम नागरिकों से भी चीन के सभी प्रकार के सामान का बहिष्कार करने का आग्रह किया। इस मौके पर नौशाद सैफी, संदीप जाटव, समीर मलिक, अमित नागर, शाहरुख, अवधेश शर्मा, रॉबिन त्यागी मौजूद रहे। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस।